मैं अपनी बहन सीमा सोलंकी से मिलने आया था। ये वो बहादुर बहन है जिसने गुंडों ने जब छेड़छाड़ की कोशिश की तो उनको थप्पड़ मारा था। पहले वो भाग गए थे भीड़ देख के, और बाद में जब अपने पति के साथ सीमा जा रही थी तो ब्लेड उसको मारी। इस घटना से मेरा मन दुखी भी है लेकिन उद्वेलित ज्यादा है। जिन अपराधियों ने ये पाप किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे ही मैंने बैठक बुला के साफ कह दिया है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तार तो हो गए, कठोरतम कार्रवाई होगी, लेकिन मैं सीमा के साहस को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं कि उसने चुपचाप सहा नहीं। और किसी ने अगर आपत्तिजनक हरकत की तो हिम्मत के साथ मुकाबला किया। सीमा का संपूर्ण इलाज हम कराएंगे, अभी डॉक्टर आए हैं, देखेंगे प्लास्टिक सर्जरी और बाकी क्या हो सकता है उसकी व्यवस्था करेंगे। और सीमा के साहस के लिए उसको 1,00,000 रुपए का मैंने पुरस्कार दिया है। अन्याय सहन नहीं करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी प्रेरणा बनी है सीमा। मैंने बेटे बेटियों के बारे में पूछा, वो पढ़ते हैं, अभी यहां से दूर पढ़ते हैं। तो मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि अहमदाबाद मतलब उस इलाके के बजाय आसपास ही उनका एडमिशन होगा। सीमा के पति पुताई का काम करते हैं, जिनने यह हरकत की है। ऑटो वाटो के लाइसेंस, अब जिंदगी भर ऑटो तो क्या कुछ भी नहीं चला पाएंगे वो, और बाकी कार्रवाइयां हो रही है। वो पता चला कि पिछले महीने जेल से छूटा, ठीक है, स्थिति ठीक है, लेकिन